नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय का मसला और तूल पकड़ता जा रहा है। अब की बार 72 घंटे की जो केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत किया है। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है क्योंकि अभी तक जो प्ली लिया जा रहा था कि अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर हो गए, लिहाजा अखिल भारतीय सेवा नियमावली अब तो उनके ऊपर लागू नहीं होगी। वो केंद्र सरकार के अधीन रहे नहीं, वो तो ममता बनर्जी के सलाहकार बन गए हैं। एक बात बता दें, इसमें दो पेच है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो भी स्टेप लिया है सब कुछ कोर्ट में चैलेंज होगा तो कहां तक टिकेगा ये अलग बात है। पहली बात, जिस दिन नोटिस जारी करी गई, पहली नोटिस जारी हुई थी उस दिन वो सर्विस में थे। जिस दिन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे यास को लेकर के सर्वे करने के बाद मीटिंग बुलाई थी उस दिन वो सर्विस में थे। नियम कानून क्या कहता है, आईएएस सर्विस के लिए जो नियमावली बनी है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप जो है इस नियमावली का पालन करेंगे, न किसी नेता का। वो चीफ मिनिस्टर होगा, आप भी नियम कानून से बंधे हैं। प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई तो आपको जाना चाहिए था, टाइम से जाना चाहिए था, आप नहीं गए। अब दूसरी बात आती है कि पहले नोटिस का जवाब तो ममता बनर्जी ने दे दिया कि ठीक है आप इसको वापस ले लीजिए, और उसके बाद तत्काल वो रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के बाद मुख्य सलाहकार बना लिया। लेकिन जो दूसरा नोटिस गया है उसमें जो आपदा प्रबंधन एक्ट लगाया गया है इसमें एक पेच ये है, दो तरह की राय आ रही है कि इसमें 2 साल तक सजा का प्रावधान है। यदि आपके मीटिंग में बुलाया जा रहा है तो आपको मीटिंग में आना ही होगा। तो वकील कह रहे हैं कि इतना ही आसान नहीं है क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी है, वो और मीटिंग में भी बिजी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री यदि मीटिंग में बुला रहा है तो आना ही होगा। तो फिर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये कोर्ट में नहीं टिकेगा, तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि केंद्र भी पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए होता क्या है राजनीति में कि कई बार ऐसा होता है, केंद्र को भी पता है, ममता बनर्जी को भी पता है कि आखिरकार ये लड़ाई कहाँ तक जा सकती है और क्या क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन दोनों इसलिए भिड़े हुए हैं कि केंद्र भी ममता बनर्जी को उलझा कर रखना चाहता है और ममता बनर्जी भी एकदम लड़ने के मूड में इसलिए रहना चाहती हैं कि एग्रेशन इज ए गुड डिफेंस। तो दोनों के अपने अपने हित है और अपने अपने राजनीति है। तो अल्टीमेटली ये होगा कि या तो जो ट्रिब्यूनल होता है जहाँ पे कि आईएएस या सरकारी कर्मचारियों के मसले जाते हैं, या तो वहाँ पे ये मसला जाए या फिर हाई कोर्ट में जाएगा। तो जहाँ भी इसको चैलेंज किया जाएगा कि ऐसे ऐसे केंद्र सरकार परेशान कर रही है और जो है ये उस दिन की परिस्थितियाँ थी और इस धारा के तहत नोटिस दिया गया है, तो उस पर फिर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट डिसीजन लेगा कि क्या इस लायक ये मामला है कि इस पर इस तरीके का एक्शन लिया जाए जिसमें 2 साल के सजा का प्रावधान है। कुल मिला जुला करके अभी ना तो केंद्र कुछ कर सकता है ना ममता बनर्जी कुछ कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपना दाव चल दिया और केंद्र ने भी अपना दाव चल दिया। ये मामला जाकर के यदि दोनों पक्ष में से कोई शांत नहीं होता है जाकर के अल्टीमेटली कोर्ट में सेटल होगा, न कि ये पॉलिटिकल फोरम पे या डिपार्टमेंटल जो चिट्ठीबाजी हो रही है उससे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।